Hello everyone. So today is 5th of May and let's start with today's current affair. So first question, recently brew community settlement in which state was opposed? देखो ये brew community है, एक brew समुदाय है. So इसको लेके अभी कौन से state में एक विवाद चल रहा है? So देखो ये चल रहा है त्रिपुरा में. तो इसके क्यों चल रहा है, क्या है, हम इसके बारे में पता कर लेते हैं. देखो ये जो त्रिपुरा में है, ये जो समुदाय है, ये जो brew समुदाय है, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पे, ये है त्रिपुरा, मिजोरम, असम. मिजोरम की ये इंडिजीनियस ट्राइब है, मिजोरम से ही ये ट्राइब का ये ट्राइब बनी है, ठीक है. ये यहीं से है, मिजोरम से. सो हुआ क्या कि जो मिजोरम में और शेड्यूल ट्राइब्स थी, उनके साथ जो शेड्यूल लोग थे, उनके साथ इनकी एथिकली फाइट हुई. किसी रिचुअल्स को लेके या कुछ प्रॉब्लम को लेके, तो उनको आपस में इनकी नहीं बनती थी. तो इन्होंने क्या सोचा, ब्रू कम्युनिटी ने क्या सोचा, हम यहाँ से जाके त्रिपुरा में रहेंगे. अभी त्रिपुरा में चले गए. त्रिपुरा में अभी स्टार्टिंग में तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाद में जब वहाँ के स्टेट के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर इनके लिए क्या डिसाइड किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको 4 लाख रुपये दे देगी रहने के लिए, त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट को, और कुछ लैंड दे देगी रहने के लिए. उस टाइम तक तो ये ठीक था, लेकिन अब रिसेंटली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको दोबारा अपोज करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए ये वापस करंट अफेयर्स न्यूज़ में है, ठीक है. अब हुआ क्या है कि जो से त्रिपुरा के हैं, तो हमने त्रिपुरा को बात त्रिपुरा को लेके हमने बात करी. तो त्रिपुरा के अभी रिसेंटली CM कौन है, बिप्लब कुमार देव, और वहाँ के गवर्नर कौन है, रमेश बेस, ठीक है. मिजोरम की बात कर लेते हैं, तो मिजोरम के कौन है CM, जोरम थंगा, ठीक है. और वहाँ के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है. और असम की बात करते हैं, असम के CM कौन है, यहाँ के हैं सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है. और गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, गॉट इट. अब बात करते हैं, देखो हमने ये सारी ऑप्शंस इसको डिस्कस कर लिया. अब मैंने ना ऑप्शंस कुछ इस टाइप से रखे हैं जिनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आएंगी. सो आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते रहना. सो लेट स्टार्ट विद असम. असम से क्या न्यूज़ बनती है, असम में अभी रिसेंटली एक फीवर आया है, उस फीवर का नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर. और इसकी एक और क्लास है, उसका नाम है क्लासिकल स्वाइन फीवर. सो हमारे पास क्या है, जो क्लासिकल स्वाइन फीवर है, हमारे पास इसकी वैक्सीन भी है, ठीक है. और इससे हम जानवरों को बचा भी सकते हैं. लेकिन जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ना हमारे पास इसकी वैक्सीन है ना, और ये जानवरों से जानवरों में फैलता है, एनिमल टू एनिमल फैलता है. सो जो चीज़ें एनिमल टू एनिमल फैलती है, उसे कौन सी डिजीज़ बोलते हैं हम, कॉन्टेजीनियस डिजीज़. कौन सी, कॉन्टेजीनियस डिजीज़, ठीक है. सो अब बात करते हैं कि हुआ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों, असम में. ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम को बोला है कि वहाँ पे जितने भी पिग्स हैं जिनको ये है बीमारी, कौन सी, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, वो अराउंड 3500 है, तो उनको मारने के लिए बोला गया है, ठीक है. सो ये तो बात करी हमने असम में. असम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, वो ये है कि अभी असम में देहिंग पटकई हाथी रिजर्व, उसके अंदर सरकार ने क्या किया है, कोयले के खनन को मंजूरी दे दी है, ठीक है. सो ये हमने डिस्कस किया. अब डिस्कस करते हैं मुंबई को. मुंबई से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म. उसने क्या डेवलप किया है, उन्होंने 1D, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मुंबई के बारे में, उन्होंने 1D सिमुलेशन कोड, ठीक है. ये हमने उन्होंने डेवलप किया. ये डेवलप क्यों किया है, ये स्टडी किसकी स्टडी के लिए डेवलप किया है, ये अर्थ की मैग्नेटोस्फियर, गॉट इट, जो चुंबकीय स्थल है, ठीक है, चुंबकीय स्थल, अब याद रहेगा आपको, ठीक है. सो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म को हम बोलते हैं भारतीय भूविज्ञान संस्था, ठीक है. बताया मैंने. मुंबई से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, मुंबई ने अभी रिसेंटली क्या किया है, एक COVID-19 टेस्ट के लिए बस लॉन्च की है. उस बस से एक बार में बल्क ऑफ लोगों का, काफ़ी लोगों का एक साथ में COVID-19 टेस्ट किया जाएगा, ठीक है. और इन्फॉर्मेशन क्या है मुंबई से रिलेटेड, देखो मुंबई है क्या, महाराष्ट्र में. सो महाराष्ट्र से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं हम. महाराष्ट्र के CM कौन है अभी, उद्धव ठाकरे, ठीक है. वहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह, ठीक है.
और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं? दीपांकर दत्ता। कौन बने हैं? दीपांकर दत्ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो वहाँ अपने वहाँ के लोगों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द ऑप्शन नंबर डी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। किसके लिए? जो COVID-19 फाइटर्स हैं उनके लिए, जो हॉस्पिटल्स में वर्किंग हैं उन सब के लिए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने 10 लाख का इंश्योरेंस दिया, यानी कि बात करी है जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने किया। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनकर। कौन है? जगदीप धनकर। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर टू। सो द क्वेश्चन नंबर टू इज, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? देखो, अभी रिसेंटली हमारा मंथ स्टार्ट हुआ है मई। सो ये ऑप्शंस मैंने जानकर ऐसे रखे हुए हैं। देखो, फर्स्ट मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लेबर डे। गॉट इट? इंटरनेशनल लेबर डे। सेकेंड मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना डे मीन्स ये एक फिश है, ट्यूना फिश। ठीक है, जो बहुत इकोनॉमिकली, जो बहुत कॉस्टली भी है और बहुत अच्छे न्यूट्रिशन भी हैं, मिलते हैं इसमें। ठीक है, और थर्ड को कौन सा मनाया था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कौन सा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इसकी जो थीम थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर विदाउट फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और विदाउट फेवर। ठीक है, अब 4 मई की बात करते हैं। 4 मई को मनाया कौन सा जाता है? फाइटर्स डे। ठीक है, फायर फाइटर्स डे। सो इसलिए मैंने ये सारे ऑप्शंस देखे, इसलिए मैंने आपको तो साथ के साथ रिवाइज भी करा दिए सारे डे। ठीक है, सो एंड हाँ, जो 2 मई को हमने जो बात करी है वर्ल्ड ट्यूना डे, उस दिन एक और दिन आता है वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। ओके, वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर थ्री। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स ऑफिशियल डिजिटल करेंसी? देखो, अभी ना रिसेंटली चाइना ने क्या करा है, डिजिटल करेंसी को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सो ये फर्स्ट करेंसी होगी, फर्स्ट कंट्री होगी जो सेंट्रल लेवल पे फर्स्ट डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी स्टार्ट करेगी। ठीक है, सो ये न्यूज़ में है। अब इसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि अभी रिसेंटली ना टेस्ट रैंकिंग की वो हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया उसमें नंबर 1 पे है। सो टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ठीक है, हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया हमारा 3rd नंबर पे है। ठीक है, बात करते हैं रशिया की। रशिया न्यूज़ में क्यों, रशिया क्यों है यहाँ पे न्यूज़ में? तो रशिया में क्या हुआ है, रशिया ने ना अभी फर्स्ट मिसाइल लॉन्च करी है, अर्कटिका मिसाइल। कौन सी? एक मिनट, मैं लिख देता हूँ, अर्कटिका एम मिसाइल। ये क्यों करी हुई है? ये करी है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग किसको मॉनिटरिंग करने के लिए? जो आर्कटिक क्लाइमेट है, क्लाइमेट आर्कटिक क्लाइमेट जो कि आर्कटिक जलवायु है, उस पर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, उस पर निगरानी रखने के लिए रशिया ने अभी फर्स्ट अर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं अजरबैजान। अजरबैजान न्यूज़ में क्यों है? अजरबैजान ने अभी रिसेंटली, अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने, अजरबैजान प्रेसिडेंट चेयर्ड वॉट ही चेयर द वर्चुअल नॉन अलाइन मूवमेंट, जो नेम की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, उसको, उसके मुख्य कौन थे? अजरबैजान के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और नेम में टोटल 120 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 120 मेंबर्स हैं। और अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। क्या है अजरबैजान की कैपिटल? बाकू। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी मन्नत है। ठीक है, और नेम नॉन अलाइन मूवमेंट कि इसने वो करिए चेयर करा है, और नेम में कितने मेंबर है? 120 मेंबर है। ठीक है, सो इससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। अजरबैजान से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कर ली। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th। सो क्वेश्चन नंबर 4th इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर वुमेन्स? वुमेन्स के लिए अभी रिसेंटली जीरो स्कीम लॉन्च किसने की है, जीरो इंटरेस्ट स्कीम, ये करी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो गुजरात न्यूज़ में क्यों है? गुजरात रिसेंटली
और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गुजरात अप्रूवल थर्ड एडिशन ऑफ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। गुजरात ने अभी जो सुजलाम सुफलाम का थर्ड एडिशन था उसको अप्रूवल कर दिया है, ठीक है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में क्यों है, हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना, वहाँ के सीएम ने, कौन है, जयराम ठाकुर, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करवाई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना, जिसके अंडर वो 120 डेज़ की वर्किंग गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं झारखंड। झारखंड के सीएम ने अभी अभी रिसेंटली बोला है कि COVID-19 की वजह से ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो बढ़ जाए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, हम पहले से ही प्लानिंग करके चलेंगे, अपने आप को सिक्योर करके चलेंगे, पहले से ही हम स्कीम बना के चलते हैं कि जैसे ही COVID-19 ख़त्म हो हम एम्प्लॉयमेंट दे सके लोगों को। इन्होंने कितनी स्कीम्स करी हैं, इन्होंने 3 स्कीम करी हैं, तो इन 3 स्कीम के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम बताऊँगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। What is the name of Indian origin girl? What is the name of Indian origin girl who has honor of naming NASA's first Mars helicopter? देखो NASA का first Mars helicopter अभी वो बनाया है, तो उसको नाम देने का ऑनर किसको मिला? बेसिकली एक कॉम्पिटिशन रखा गया था, तो उस कॉम्पिटिशन में वेनिजा रूपानी, इन्होंने नाम दिया। ये मात्र बहुत कम ईयर की है, अराउंड आई एम कन्फ्यूज, बट मे बी ये 13 और 17 एज की है, इनकी एज इतनी है, 17 की है शायद, मे बी, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। वेनिजा रूपानी है। इन्होंने क्या किया है, जो नासा का फर्स्ट हेलीकॉप्टर है, इन्होंने नाम दिया था, उनका नाम गैस किया था, तो उनका नाम क्या था हेलीकॉप्टर का नाम, तो ना हेलीकॉप्टर का नाम था इनजेन्यूटी, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने सजेस्ट करा है, तो ये इनको मौका मिला है, ठीक है। सही आ सकता है न्यूज़ में, करंट अफेयर है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज स्टेट। ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्जा, मैंने ये जान के ऑप्शन में रखा हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली सानिया मिर्जा को द फेड कप हर्ट अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड मिला है, द फेड कप हर्ट अवार्ड, ठीक है, सानिया मिर्जा को ये मिला है। पीटर वेंडन कौन है, ये स्नूकर के प्लेयर हैं, रिसेंटली अभी इन्होंने रिटायरमेंट के लिए इन्होंने रिटायरमेंट घोषणा की अपनी, ठीक है, पीटर वेंडन, करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये थे आज के करंट अफेयर्स, हमने डिस्कस करे। और इससे ज़्यादा कुछ जानने को होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको कल। बाकी मैंने क्वेश्चंस इतने कम इसलिए हैं क्योंकि मैंने ऑप्शन से और जो एडिशनल डिटेल्स से उससे मोस्टली सारे करंट अफेयर्स कवर कराते हैं आपको। आप जब भी मेरी वीडियो से पढ़ने बैठें तो आप एक नोटबुक साथ लेके चले, और जब मैं बोलता हूँ, मैं लिख कम पाता हूँ, बट मैं जो बोलता हूँ ना, मैं अभी कोई पिक्चर्स ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पिक्चर्स ऐड कर पाऊँगा तब तो ठीक है, बट अभी मैं पिक्चर्स ऐड नहीं कर पा रहा, तो आप एक काम किया करो, एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो ताकि आप नोट्स बना सको, क्योंकि मैं बोलता जाता हूँ जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। इसी बीच ना हमने एक कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, और वो है कि जो गुजरात हैं वहाँ के सीएम है विजय रूपाणी, ठीक है, और वहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। अब बात करते हैं हम, मैं बता रहा था आपको कि आप नोटबुक लेके बैठा करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Have a good day.